और मजबूती हम दे सकते हैं। मजबूती देने के लिए हर साथी के लिए कार्य करेंगे। वो साथी किसी भी ग्रुप और धड़े से हो, जो कांग्रेस का साथी सबसे मजबूत है, रणदीप उसके पक्ष में काम करेगा जाके, ताकि कांग्रेस का पेड़ जो है वो हमेशा फले फूले और 2019 में हम कांग्रेस की सरकार बना सकें। सर, आपने कहा था कि मैं जींद की धरती का कर्ज उतारने आऊं, तो अगला इलेक्शन मैंने इसलिए ये कहा, तो अगला इलेक्शन मैंने, आप याद करिए, ये भी कहा था कि साहब मैंने अपना निर्णय कर लिया, मैं जींद की धरती का कर्ज और फर्ज उतारने आया हूँ। अब आपकी जिम्मेवारी है, आपने निर्णय करना है कि आप मुझे यहाँ रखना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने निर्णय कृष्ण मिड्ढा जी के हक में कर दिया, मैंने हाथ जोड़कर वो निर्णय स्वीकार कर लिया। परंतु एक बात मैंने फिर भी कही, जींद के साथियों को मैं कहकर आया हूँ, हर 15 दिन में मैं जींद के साथियों की संभाल लिया करूँगा। उन 23,000 वोटों को जब तक मैं 60,000 नहीं बना दूंगा, जींद में पिछड़ापन, पक्षपात और भेदभाव जब तक खत्म नहीं कर दूंगा, जींद के लिए मेरा संकल्प और यज्ञ दोनों जारी रहेंगे। जींद के साथियों ने यह अनुरोध भी किया है कि एक कार्यालय कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के लिए वहाँ एक स्टाफ की नियुक्ति मैं कर दूँ। मैंने ये दोनों बातें उनसे स्वीकार की और ये कहा है कि जब मैं नहीं हूँगा तो वो कार्यालय और स्टाफ वहाँ पर होगा जो जींद के साथियों का काम किया करेगा और उनकी आवाज़ हम उठाएंगे। और वो सारे साथी जब चाहें वो कैथड़ आ सकते हैं, 40 किलोमीटर दूर है, कोई बहुत दूर नहीं है। नरवाना के सब साथी भी कैथड़ आकर अपने काम करवा कर ले जाते हैं। उसके लिए दरवाजे पूरी जिंदगी जब तक मैं जीऊंगा जींद की धरती का कर्ज और फर्ज मैं निभाऊंगा, जब तक जींद के पिछड़ेपन का सर फोड़कर जींद में विकास और प्रगति की नैया नहीं बहेगी, गंगोत्री नहीं बहेगी, तब तक मेरा ये संकल्प और वचन दोनों जारी रहेंगे। आप ये रिकॉर्ड कर लीजिए, आज की तारीख और डेट भी नोट कर लीजिए। जो कांग्रेस के पेड़ को काटते हैं वो कभी दोबारा सत्तासीन नहीं हो पाते। 1993 से आज तक ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। अब ये उनको अंतर्मंथन करना होगा, जो कांग्रेस पार्टी जो माँ के समान है, जो अपनी माँ से बेईमानी कर रहे थे। ईवीएम को जिम्मेदार मानते हैं भाई? देखिए, बहुत सारी बातें वहाँ हुई, बहुत सारी मशीनों के सील टूटे मिले, बहुत सारी मशीनों के नंबर ही मैच नहीं हुए, उन सब के बारे में हमने दरखास्त दी, पर चुनाव का परिणाम आ गया है। अगले 6 महीने के अंदर अगला चुनाव आएगा। मुझे लगता है कि अब हमारा सारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए पूरे हरियाणा में। खट्टर सरकार, जिसका अहंकार अब चरम सीमा पर है, खट्टर साहब जो इतने अहंकारी हो चुके हैं कि उनको इंसान नजर नहीं आते, उनको हेलीकॉप्टर से ही अब हरियाणा की सरजमी देखने की आदत पड़ गई है। और मैं ये कह सकता हूँ, जब चौटाला जी को भी अहंकार हुआ था तो हमने उन्हें अर्श से फर्श पर लेकर आए थे जनता की कृपा से। एक बार फिर खट्टर साहब को अर्श से फर्श, कैथल की कपिस्थल की धरती से लाने की शुरुआत की जंग हम दोबारा शुरू करेंगे। बजट को कहां देखते हैं? जो बजट पेश हुआ है, ये विपक्ष पर कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। ऐसा है, मैं नए सिरे से आपसे बजट पे अलग से पत्रकार वार्ता करूंगा, पर ये बजट इस सरकार का एक बहुत बड़ा लॉलीपॉप है। 17 रुपया प्रतिदिन प्रति किसान परिवार को आप देकर आप ये कहते हैं कि आपने किसान का बहुत भला कर दिया, और अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो ये राशि 3 रुपया 30 पैसे प्रतिदिन होती है। 3 रुपया 30 पैसे में तो आधा कप चाय भी नहीं मिल सकता, तो किसान परिवारों का भला कैसे होगा? और जो हमारे रविदासिया, वाल्मीकि और बैकवर्ड साथी हैं, जो किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेत में मजदूरी करते हैं, उनके लिए इसमें क्या है? बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो भूमिहीन हैं, परंतु जो पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते हैं उनको ये पैसा नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे टेनेंट फार्मर हैं इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उनको ये पैसा कैसे मिल पाएगा? इसलिए एक बहुत बड़ा जुमला साबित हुआ है। और जो 5 लाख रुपए की छूट देने की बात थी, वो रात तक जब बजट की भाषा आई तो वो सारी भी एकड़ी गायब हो गई, क्योंकि मात्र 10,000 रुपये का इनकम टैक्स रिबेट मिला है। 5 लाख तक इनकम टैक्स की स्लैब नहीं बढ़ी, वो तो अभी भी 2.5 लाख पर ही सीमित है। अगर आपकी आय 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में है तो 5% के हिसाब से इनकम टैक्स जो 10,000 रुपया बनता था वो माफ हुआ है। इसलिए 10,000 रुपया देकर की माफी देकर झूठी वाहवाही लूटना, मुझे नहीं लगता कि इससे लोग किसी भ्रम में आने वाले हैं। तो आज इलेक्शन शुरू आज क्या कर सकते हैं? उनका विश्लेषण करना मेरा काम नहीं, उनका विश्लेषण करना काम पार्टी का है और पार्टी वो विश्लेषण करेगी।
मैं कांग्रेस पार्टी का एक साथी कार्यकर्ता हूं। मैंने अपना काम, जो जिम्मेवारी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने दी थी, मैंने वो अपनी क्षमता के अनुसार निभाई। खास तौर से मैं कैथल और नरवाना दोनों इलाकों के साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने उस चुनाव की कमान संभाली, जीन के साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कांग्रेस मृत प्राय थी, जहां कांग्रेस की दो बार जमानत जब्त हो गई, जहां वर्षों से कांग्रेस का परचम फहराया नहीं गया, जहां कांग्रेस का कंपटीशन इनेलो से था जिसकी 3000 वोट आई हैं, वहां उन्होंने कांग्रेस को अपनी मेहनत से एक एक जीन के कांग्रेस के साथियों को, जिनके मन के अंदर आज भी कांग्रेस जिंदा है, उनके मन के अंदर कांग्रेस को जिंदा कर कांग्रेस को जिंदा किया। मैं एक बात कह सकता हूं, जीन में कांग्रेस को हर जाति का वोट मिला। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह सकती, उनको कुछ जातियों का वोट पड़ा। लोक दल ये नहीं कह सकता, उनको कुछ जातियों का वोट पड़ा। कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत ये है कि गरीब से गरीब, अमीर से अमीर व्यक्ति का वोट के अंदर कम हिस्सेदारी चाह रही, पर कांग्रेस की हिस्सेदारी रही। हमने जो विकास और प्रगति का नरवाना और कैथल का मॉडल बड़ा खुल के वहाँ बताया, और बताया कि किस प्रकार से आप जाति पाति के विभाजन को विकास और प्रगति से तोड़ सकते हो, 23,000 लोगों ने 14 दिन में समझा, ये बड़ी बात है। अगर हमारे पास 2 महीने और होते तो शायद ये इसके पूरे परिणाम ही अलग होते। रणदीप जी, कहीं ना कहीं आपके लेक्चर में भी दर्द। हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, हर चुनाव एक नई शिक्षा आपको देता है, हर चुनाव एक नई सीख आपको देता है, हर चुनाव आपको एक नया तजर्बा देता है। जीन जो विकास की दृष्टि से बाकी हरियाणा से 30 से 40 साल पिछड़ा है, उसको विकास और प्रगति की आवश्यकता है, ना कि जात पात के विभाजन की। खट्टर साहब ने और ओम प्रकाश चौटाला के परिवार ने मिलकर वहाँ एक जातीय विभाजन की बिसात जो बिछाई थी, वो थोड़े समय के लिए अवश्य कामयाब हुई, पर मुझे ये विश्वास है कि जींद के 23 से 24 हज़ार लोगों ने विकास और प्रगति की, कैथल के मॉडल की एक नई चमक देखी, और मुझे ये विश्वास है कि आगे आने वाले समय में वो 23 से बढ़कर 46,000 और 46 से हज़ार से बढ़कर 1,00,000 हो जाएगी, क्योंकि जात और पात किसी का भला नहीं कर सकते, धर्म का विभाजन किसी का भला नहीं कर सकता। आखिर में रोजी और रोटी का रोजगार, विकास और प्रगति, पीने का पानी और नहर का पानी, सड़कें और सीवरेज, और एक एक गाँव के अंदर और शहर के अंदर, एक एक वार्ड के अंदर रोशनी, यही राजनीति का एकमात्र रास्ता है, कम से कम जो मैं समझता हूँ। कभी कभी राजनीति में विकास हार जाता है, वो एक छोटी लड़ाई है, पर आखिरी जंग जो है वो समाज में सद्भाव की, समाज के भाईचारे की और समाज में विकास और प्रगति की होती है। इसी संकल्प को लेकर मैं और मेरे साथी, कांग्रेस पार्टी के सब साथी चलते रहेंगे। मुझे ये विश्वास है कि हम पूरे जींद जिले में, कैथल जिले के साथ साथ कुरुक्षेत्र और करनाल में, यमुनानगर और अम्बाड़ा में, बाकी हरियाणा के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का परचम नए सिरे से फहराएंगे। देश में रोजी रोटी और बेरोजगारी का संकट युवा वर्ग पर सबसे अधिक है। मोदी जी ने कहा था कि वो 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करेंगे। देश में हर रोज 33,000 नई नौकरी पैदा करने की आवश्यकता है, यानी साल में 1,20,00,000। पर मोदी जी के आंकड़े कहते हैं कि वो केवल 3.5 लाख नई नौकरियां पैदा कर पा रहे हैं। नतीजा ये है कि बेरोजगारी 6.1% पर है, जो 45 साल में सबसे अधिक है। और अगर आप शहरों में 15 से 29 साल के युवा में बेरोजगारी के दर देखें तो ये 19.5% है, जो देश की आज़ादी के बाद नहीं, पिछली 20वीं और 21वीं सदी में सबसे अधिक है। अंग्रेज के समय में भी इतनी बेरोजगारी नहीं हुई। हजारों नौजवान आपको मिलेंगे जो शिक्षित हैं, योग्य हैं, काबिल हैं, लायक हैं, पर रोटी और रोजगार नहीं है। इसलिए, और इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इसके लिए कभी नोटबंदी, कभी GST और मोदी सरकार और खट्टर सरकार के निर्णय जिम्मेवार हैं। 30,000 नौकरियां खट्टर साहब दे पाए हैं 5 वर्ष के अंदर, और वो भी एक ऐसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से जिसके ऊपर रिश्वतखोरी के आरोप हैं, और जिसके बारे में हाईकोर्ट ने कहा कि क्योंकि खट्टर सरकार अपने ही कमीशन के खिलाफ जांच नहीं कर सकती,
और खट्टर जी ने अपने मित्र भारती जी को 3 साल के लिए और कमीशन का चेयरमैन लगा दिया, जहां भारी धांधली और पैसों से नौकरियां बिकती हैं, तो क्यों ना ये जांच सीबीआई को दे दी जाए। क्या ये खट्टर सरकार के खिलाफ अपने आप में कोर्ट द्वारा दिया बहुत बड़ा फतवा।